हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे सोनास किचन। और मैं हूँ सोना। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं बहुत ही आसान गाजर के लड्डू। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने 1/2 kg गाजर लिए हैं। इनको अच्छी तरह से धोकर सुखा कर मैंने छील लिए हैं। अब इनको हम लोग ग्रेट कर लेंगे, यानी कद्दूकस कर लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने गाजर को कद्दूकस कर लिया है। तो अब चलते हैं सामग्री की ओर। 1/4 चम्मच इलायची पाउडर, 1 चम्मच घी, 1/2 कप दूध, 2/3 कप मिल्क पाउडर, 1 कप चीनी और 1/4 कप नारियल का बुरादा, यानी डेसिकेटेड कोकोनट। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई पे घी डाल दिया है। हम इसमें गाजर डाल देंगे और हल्का सा लो फ्लेम इसे पका लेंगे। इससे गाजर हमारा थोड़ा सॉफ्ट बनता है और घी का अलग ही फ्लेवर आ जाता है हमारे लड्डू में। तो इसे सिर्फ हमें 1/2 मिनट के लिए ऐसे ही मिक्स करते जाना है। और ये देखिए, गाजर जो है हमारा सॉफ्ट हो गया है। अब हम लोग इसमें डालेंगे दूध और चीनी। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। फ्लेम को लो ही रखिएगा। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसमें ढक्कन डाल दीजिए और इसे लो फ्लेम पे पका लीजिए। लगभग 1/2 मिनट बाद इसे खोल दीजिए और आप देख सकते हैं गाजर ने पूरा पानी छोड़ दिया है। तो इसी पानी में हमें इसे गाजर को पकाना है। ऐसे ही ढक के आपको थोड़ी थोड़ी देर में इसे खोल कर पका लेना है। तो आप देख सकते हैं गाजर हमारा बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। लेकिन इसे थोड़ा सा और हम पकाएंगे। हमें लगभग 10 मिनट के लिए गाजर को ऐसे ही पकाना है। बीच बीच में इसे चलाते रहना है ताकि ये जल ना जाए और इसका कच्चापन पूरी तरह से चला जाए। आप इसे टेस्ट करके देख सकते हैं। अगर आपको गाजर पक गया है, ऐसे लग रहा है, तो आप ये बंद कर सकते हैं प्रोसेस और आगे जा सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा जो गाजर है वो पक गया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, फ्लेम को हल्का सा बड़ा कर देंगे और इसे कंटिन्यूसली, मतलब लगातार चलाते जाएंगे। इससे जो अभी एक्स्ट्रा पानी जो है गाजर में वो सूख जाएगा। ध्यान रखिए, आपको इसे लगातार चलाते रहना है ताकि ये जल्दी से सूख जाए। अगर आप इसे लगातार नहीं चला सकते तो लो फ्लेम पर इसे पकाइएगा। तो ये देखिए, गाजर मेरा पूरा सूख गया है। मैंने इसे 10 मिनट के लिए ऐसे ही हाई फ्लेम पे पकाया था लगातार चलाते हुए। तो अब हम लोग इसमें डाल रहे हैं मिल्क पाउडर और नारियल का बुरादा, इलायची पाउडर। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अब हमें लो फ्लेम पे इसे चलाना है जब तक कि ये जो गाजर है, ये मिठाई है, वो पूरी ड्राई ना हो जाए, कम्प्लीटली सूख ना जाए। तो इसे ऐसे ही लो फ्लेम टू मीडियम फ्लेम पे आपको पकाना है। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा जो गाजर है वो पूरा सूख गया है, आप देख सकते हो। मैंने इसे लगातार 10 मिनट ऐसे ही पकाया है। तो अब गैस को कर देंगे बंद और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने इसे एक प्लेट में निकाल दिया है और इसे हल्का सा ठंडा कर लिया है। ये गर्म बहुत नहीं है। हाथ को मैंने घी लगा दिया है और अब हम इसके लड्डू बनाएंगे। ये लड्डू बहुत ही आसान है बनाना, आप देख सकते हो। झटपट बन जाते हैं लड्डू और खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ पे मैंने नारियल का बुरादा लिया है और इसमें मैं इसे कोट कर रही हूँ। आप चाहिए तो ऐसे डायरेक्टली ही इसे बना सकते हो। तो इस पे हम सजावट के लिए
पिस्ता के टुकड़े लगा देंगे। और ये देखिए हमारी बढ़िया मिठाई रेडी है। आप किसी भी छोटे से फंक्शन के लिए इसे घर पे ही बना सकते हैं, बहुत ही बढ़िया लगता है। आप ज़रूर टेस्ट करें, ये ट्राई करें और कमेंट में प्लीज़ बताइएगा कि आपको कैसे लगे। देखिए दोस्तों, मैंने सारे लड्डू बना लिए हैं। कुछ मैंने नारियल के बुरादे से कोट किए हैं, कुछ ऐसे ही डायरेक्टली रखे हैं। आप देख सकते हैं दोनों ही दिखने में बहुत बढ़िया लग रहे हैं और खाने में तो बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं दोस्तों, एकदम सॉफ्ट और रसीले गाजर के लड्डू। बनाने में बहुत आसान है, आप ज़रूर ट्राई करें। सर्दी के सीज़न में तो वो लाल वाले गाजर भी आ जाते हैं, मीठे वाले, तो आप उसके भी लड्डू बना सकते हैं। तो चलिए, टाटा बाय बाय।